हाँ, ये हवा क्या माहौल है। जान अनंत भाई वहां कहाँ खड़े हो? आओ ना यार, इतने अच्छे माहौल में अकेले अकेले खड़े हो। मजा ना ले माहौल का साकी भाई। ओए, वीडियो बन रही है अरे तो क्यों ना हम आवाम को भी दिखाएंगे हम कहाँ मौजूद चले हैं। चले चले, यहाँ दिखाते हैं हम जो माहौल। बताने की तो जरूरत नहीं है, आप देख ही सकते हैं कैसा माहौल है बैरिया में। तो दोस्तों, ऐसी हवा तो आपको पूरे शहर में मिलेगी, लेकिन ऐसा माहौल मेरा नहीं ख्याल कि कराची में कहीं मिलेगा सिवाय बहरिया टाउन के। तो आज मैं आपको नजारे कराता हूँ कि ऐसे मौसम में बहरिया टाउन की जो खूबसूरती है उसको चार चांद लग जाते हैं। वैसे तो इस वक्त सूरज निकला हुआ है, लेकिन इस नजारे को चांद लगे हुए हैं। क्यों अनस भाई, क्या कहते हैं? बिल्कुल साकिब भाई, मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ इस हवा को। अगर यही हवा शहर में है तो उसका पोल्यूशन इतना है कि बंदा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल की लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ ऐसा है कि माहौल को एंजॉय कर रहे हैं, एनरोलमेंट को हम एंजॉय कर रहे हैं। तो अनंत भाई, आप यहाँ के रहायशी भी हैं, तो मुझे बताएगा कि बारिश में यहाँ का क्या माहौल होता? बारिश का माहौल बिल्कुल ही एकदम चेंज हो जाता है, मिनी दुबई का मैं कहूंगा यहाँ पर। क्योंकि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी यहाँ बिल्कुल भी नहीं खड़ा होता। सेवरेज का निजाम ऐसा है मलिक रियाज साहब का कि सारा पानी डैम के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है, वही पानी फिर हमें यूज करने के लिए मिलता है। बनिस्बत शहर से वो सारा पानी वेस्ट हो जाता है, वो समंदर में चला जाता अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा पानी आता है ज्यादा बारिश आता है तो बारिश ज्यादा आता है तो पानी आ रहा है? यहाँ ज्यादा तो ऐसा पानी, कोई सीन नहीं, यहाँ ज्यादा बारिश आता है तो कम, यहाँ ज्यादा बारिश आता है तो कम पानी ठहरता है, वहां कम बारिश आता है तो ज्यादा पानी हो जाता है। है यार। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें पानी तो अल्लाह की नेमत है, बेशक बिल्कुल और कहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर जंग लगी तो पानी पे होगी, और ये अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, इसीलिए कि हम सोचें, प्लानिंग करें। और ये कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी अच्छी सोच है कि पानी की एक बूंद भी यहाँ बड़ी खुशी हुई के जाया नहीं होती। आगे भाई, ये एक वन मैन शो बंदे का प्लान है। और यहाँ हमारी पूरी गवर्नमेंट मिलके भी ऐसा माहौल नहीं क्रिएट कर पाई जो एक वन मैन शो बंदे ने किया। मैं एक तारीफ नहीं करूंगा किसी की, जो हकीकत बात है वो आप खुद देख सकते हैं कैमरे की नजर से। बनिस्बत शहर में तो और ज्यादा तबाह हो जाते हैं, जितनी बारिश आती है हम उतना पीछे चले जाते हैं। तो हम तरक्की पे नहीं, हम तो रेड जोन में दुनिया के। सही बात है, मैं कुछ शहर से आता हूँ, वहां तो दो कतरे बारिश होती है तो सेवरेज तबाह हो जाती है वहां। पूरा निजाम ऐसा किया हुआ है ना, वो जो अंग्रेजों ने काम किया हुआ था आज तक वही है, और इतना टूट फूट गया है कि इन्होंने सहमति नहीं की उसको रेनोवेट करने की। उसके बाद तो आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको बहरिया की इस मौसम में खूबसूरती दिखाई जाए। आया बस यही एंजॉय कर ले मौसम ताकि भाई, बस अल्लाह की रहमत आ जाए बारिश तो और ही मजा आ जाए भाई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने इस माहौल को वीडियो में ही एंजॉय किया होगा। और अगर ज्यादा एंजॉय किया है तो आप आए बहरिया टाउन, हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो बारिश हो तो आपने जरूर बैरिया टाउन का रुख करना है, अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ जरूर आना है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो ऐसी मजे मजे की जानकारी वाली बहरिया टाउन से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलें। चलो चलो, बारिश आ गई, एंजॉय करते हैं। ओए!